पलासिया स्थित नवनीत टावर के समीप भाजपा प्रत्याशी महेंद्र हाडिया के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सुमित्रा महाजन की मौजूदगी में हुआ, जिसके बाद हाडिया ने क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू कर दिया। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का दौर जारी है, इसी के चलते महेंद्र हाडिया के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में सुमित्रा महाजन, गोपी नेमा, बाबू सिंह रघुवंशी, दिलीप शर्मा सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो चोरी हो जाती है, चौकीदार गफलत में आ जाए तो ताले खुल जाते हैं, सेनापति अगर इधर उधर चला जाए तो घुसपैठ हो जाती है, और जब देश में घुसपैठ होती है तो आतंकवाद की घटनाएं घटित होती है। तो हमारे बूथ पर चोरी नहीं हो, हमारे बूथ पर घुसपैठ नहीं हो, हमारा बूथ हमारी नजर में रहे, 24 घंटे हर पल हम उस बूथ की चिंता करें, हमारे बूथ पर कोई इधर उधर से प्रवेश नहीं करे, ये चिंता हमारी होनी चाहिए। हम संगठन के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। कांग्रेस की भलाई बुराई आपके सामने करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जब बड़ी सभाएं होगी तब हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बैठकर हमारे जीत की रणनीति की बात हमको करना है कि हमारा उठाया हुआ कल से एक भी कदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए और हमारा कदम इधर उधर नहीं जाए, ये चिंता हमको करनी है। वहीं भाजपा प्रत्याशी रमेश मेंदुला के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन स्थगित कर दिया गया है। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री उमा भारती और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय करने वाले थे। इसी भाजपा प्रत्याशी आकाश विजयवर्गीय ने परिसर बैठकें की, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आकाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन स्थगित कर दिया गया है। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री उमा भारती करने वाली थीं।